दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में जानेंगे। इसके बारे में हम सब कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो ये एक पार्ट में तो खत्म होने वाला है नहीं, तो उसको हम छोटे छोटे दो या तीन पार्ट बनाएंगे इसके, ठीक है? तो आराम से पढ़ेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में समझना है इसे। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या है इसने बोला, तो इसने बोला एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ कंपनी, यानी एक कंपनी के लिए अगर हम बात करें एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ कंपनी मीन्स अ डायरेक्टर अदर देन कौन, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर। इन सब की डेफिनेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी हम सिर्फ इतना जान रहे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कौन। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ कंपनी, यानी एक कंपनी के हिसाब से अगर देखें तो मीन्स डायरेक्टर अदर देन, यानी इनके अलावा कौन, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है? इन डायरेक्टर को छोड़ करके, यानी ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होते, तो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर के अलावा जो बचा उसने बोला कौन है, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो अगर हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की नॉर्मल वे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ कंपनी मीन्स अ डायरेक्टर अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर। आप ध्यान रखना, ये अपने आप में पूरी डेफिनेशन नहीं है, ठीक है? जब हम इसका क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे तब मैं आपको दोबारा इस पॉइंट पे लेके चलूंगा। क्राइटेरिया इंडिपेंडेंस जो है सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 में इसके बारे में बात बोली भी है, वहां पे मैं इसको डिटेल में से पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में बैठा लो कि एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ कंपनी मीन्स अ डायरेक्टर अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर। बस इतना ही अभी अपने पास रख लो, बाकी अभी हमें इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं, ठीक है? और क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो ये सर नेक्स्ट पार्ट में ही फॉलो करेगा। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, देखो उसके बाद हमारे पास है कि विच कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ठीक है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किस कंपनी को अपॉइंट करना चाहिए, तो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है एवरी लिस्टेड कंपनी। क्या है एवरी लिस्टेड कंपनी? अगर हम ध्यान दें, लास्ट जो हमने वीडियो पढ़ी थी उस वीडियो में हमने, देखो इस मैंने पेज ये रखा हुआ है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था एवरी लिस्टेड कंपनी, और यहाँ पे वर्ड में लिखवा रहा, देखो यहाँ पे भी एवरी लिस्टेड कंपनी लिखा है। अब मैं इसको चेंज करने वाला, देखो एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी करने वाला हूँ, ठीक है? क्या करने वाला हूँ, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे एवरी लिस्टेड कंपनी वर्ड लिखा और यहाँ मैंने क्या चेंज करा हुआ है, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, यानी यहाँ पे पब्लिक कंपनी की ही बात करेगा, लिस्टेड पब्लिक कंपनी एक, और दूसरा एनी क्लास और क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनीज एज मे बी स्पेसिफाइड, एज मे बी स्पेसिफाइड, किसने स्पेसिफाई करी होगी, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ तक समझते हैं, इंडिपेंडेंट डेफिनेशन मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दोबारा पढ़ाना है, खाली आपको याद रखना है कि इन रिलेशन टू कंपनी मीन्स अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर, इतना सफिशिएंट है। उसके बाद आगे इसने बोला कि विच कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो यहाँ पे मैंने बोला एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, यानी लिस्टेड पब्लिक कंपनी को अपॉइंट करना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और दूसरा एनी क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखी हो। अब बात आती है यहाँ पे कि पॉइंट नंबर टू को जब ध्यान से पढ़े तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको स्पेसिफाई किया, वो यहाँ पे बताया हुआ है रूल फोर के अंदर, यानी यहाँ पे लिखा था ना कि एज में भी स्पेसिफाई था सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो कौन सी कंपनीज है, तो हम स्पेसिफाइड कंपनीज पढ़ने वाले हैं यहाँ पे रूल फोर है। जबकि हमने अगर यहाँ ध्यान दें तो हमने रूल थ्री पढ़ा था, किसके लिए, वुमेन डायरेक्टर, रूल थ्री अप्लाई होता है, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर रूल फोर अप्लाई हो रहा है। बाकी सेम है, इक्विटी का ही रूल लगाते हैं, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल लगा था 2014, यहाँ पे भी सेम वही है, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल 2014। बस यहाँ पे रूल थ्री था, यहाँ पे रूल फोर है, इस बात को ध्यान रखना कि यहाँ पे कौन सा रूल है आपका, रूल फोर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि इसने वर्ड क्या बोला है, इसने बोला है कि इसमें ये जो फॉलोइंग क्लास ऑफ पब्लिक कंपनीज है इनके ऊपर ही क्या है, ये अगर ये चीज फॉलो, इनमें फॉल करता है कोई भी, तभी आगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको अपॉइंट करना, वरना अपॉइंट नहीं करना है। तो उसने बोला, देखो यहाँ पे लिखा था फॉलोइंग क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज हैव स्पेसिफाइड, पहला पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल, पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, जिसके पास 10 करोड़ या उससे ज़्यादा की पेड अप शेयर कैपिटल हो, पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का टर्नओवर हो, और पब्लिक कंपनी विच हैव इन एग्रीगेट, यानी टोटल करना आपको, एग्रीगेट मतलब तो टोटल, तो टोटल करना आपको क्या, आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स,
ये सब टोटल करने के बाद कितना बोला उसने, मोर देन 50 करोड़ हो जाए, कितना हो जाए। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मोर देन लिखा है, यहाँ पे और 50 करोड़ और मोर वर्ड नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा मोर देन 20, 50 से ज्यादा ही होना चाहिए। बच्चे यहाँ पे गलत पढ़ते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। तो उसको रिपीट करते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखो, हमने कहा था विच कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो यहाँ पे इसने कहा एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी और एनी क्लास और क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनी एज स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल 4 में बताया हमें यहाँ पे कि रूल 4 बताता है यहाँ पे कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स 2014। इसमें क्या बताया, इसने बोला है कि पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर। अब देखो लिस्टेड यहाँ ले तो इसका मतलब ये अदर पब्लिक कंपनी है, ठीक है, जो लिस्टेड नहीं है। तो पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, और पब्लिक कंपनी विच हैव इन एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स डिबेंचर एंड डिपॉजिट्स मोर देन 50 करोड़ रुपीज, ठीक है। सेम यहाँ पे भी वही पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट वही है कि आपको कौन सी पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, लोन्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स हैं, ये कब के लेने हैं। तो वही है आपका लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। आपको लास्ट डेट की लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेनी है, ठीक है, जो कि एग्जिस्टिंग थी ऑन द लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेना है, इनके लिए बहुत साल पुराने मत लेना, लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे सेम है, वहाँ भी पीछे जो हमने वुमन डायरेक्टर पढ़ा था उसमें भी बिल्कुल सेम यही बात बोली हुई है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको आगे बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट आउट लिखा हुआ है कि फॉलोइंग क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कौन, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, यानी अगर मैं बात करूँ तो मैं इनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि लिस्टेड की बात तो भी नहीं, लिस्टेड पर सीधा अप्लीकेबल है, ठीक है। बट कुछ ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है शैल नॉट बी कवर्ड, इनको हम रूल 1 में कवर नहीं करते हैं। तो वो कौन सी कंपनी है जिनको हम सब रूल 1 में अप्लाई कवर नहीं करते हैं, तो हमारे पास वो जो कंपनी है आपको याद रखना है, जॉइंट वेंचर कंपनी आपकी सब रूल 1, जो 4 का जो रूल चल रहे हैं, हमारे रूल 4 चल रहा है उसमें सब रूल 1 में जॉइंट वेंचर कंपनी को आप नहीं लेते हो, ठीक है, उसको कवर नहीं करते। दूसरा होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, ठीक है, होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी का मतलब होता है जो कि 100% क्या होती है, ओन्ड होती है। तो हम उसकी बात कर रहे हैं कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी 100% उसके शेयर्स ले रखे हैं, उस पर पूरा उसका कंट्रोल है, तो होली ओन्ड सब्सिडरी है अभी हम, ठीक है, इतना समझ लेते हैं इसे। तो होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी जो है उस पर भी ये एप्लीकेबल, उसको भी ये कवर नहीं करेगा। और साथ ही साथ डोरमेंट कंपनी की बात कर रहा हूँ, डोरमेंट कंपनी जो कि आपका कौन सा सेक्शन में डिफाइंड होती है, सेक्शन 455। तो 455 जो है वो उसमें डिफाइंड है आपकी सेक्शन 455, 455, ठीक है। तो इसमें ये डिफाइंड है। और आपको मैं एक और बता दूँ, डोरमेंट कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जो कि फाइनेंशियल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट और या फिर एनुअल रिटर्न जो है वो 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक फाइल नहीं करती, वो आपकी डोरमेंट कंपनी होती है। डोरमेंट कंपनी कौन है, विच डू नॉट फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न फॉर लास्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, यानी पिछले 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स से अगर जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी, वो आपकी डोरमेंट कंपनी है। तो इस पेज को आपने समझ लिया, यहाँ तक तो समझ लिया था, इस पर दोबारा बात कर लेते हैं कि ये यहाँ पे बोला कि फॉलोइंग क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी शैल नॉट बी कवर्ड इन सब रूल 1, वो सब रूल 1 में कवर नहीं होगी। कौन कौन सी यहाँ कवर नहीं है, जॉइंट वेंचर कंपनी आपकी कवर नहीं है, होली ओन्ड सब्सिडरी कवर नहीं है, और डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी की पहचान यही है कि जिसने 2 कंसेक्यूटिव लास्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न आरओसी को फाइल नहीं करी हो, ठीक है, जिसने आरओसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी हो। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम एक और बात समझ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये कि नॉन प्रॉफिट कंपनी पे, नॉन प्रॉफिट कंपनी यानी जो हमारी सेक्शन 8 की कंपनी होती है, नॉन प्रॉफिट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नॉन यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि आप उसको अपॉइंट करो, इंडिपेंडेंट एनपीसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो एनपीसी को जरूरत नहीं है कि वो ऐसे अपॉइंट करे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, डन। उसके बाद हमने बोला कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अगर बात करें तो कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपके पास होने चाहिए, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो कितने होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, ठीक है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं जो हमने यहाँ पे बनाया था, हमने देखो ध्यान दोगे आप, तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी है और अदर स्पेसिफाइड कंपनीज थी हमारे पास, स्पेसिफाइड कंपनीज है, तो वही सेम लिस्टेड पब्लिक कंपनी और स्पेसिफाइड कंपनी। अगर हम लिस्टेड की बात करें तो
मिनिमम 1/3 होगा टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, यानी जितने आपके पास, मान लो आपके पास डायरेक्टर्स है टोटल 9, तो 9 आपके पास टोटल डायरेक्टर्स, तो 9 का 1/3 कितना आएगा, 3 आएगा, तो 3 आपके पास क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो उसने मतलब मिनिमम 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स लिस्टेड पब्लिक के केस में, लिस्टेड पब्लिक कंपनी के केस में, और स्पेसिफाइड कंपनी के केस में कहें तो मिनिमम 2 डायरेक्टर्स जो होने चाहिए, मिनिमम क्या होने चाहिए, 2 डायरेक्टर्स जो होने चाहिए वो आपके क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी और स्पेसिफाइड कंपनी, लिस्टेड पब्लिक कंपनी में कितना है 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, और स्पेसिफाइड कंपनी की अगर बात करें तो मिनिमम कितना बोला 2 डायरेक्टर्स ऐसे होने चाहिए जो कि क्या हो आपके, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। बात समझ आ गया, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ, आगे का जो वो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जिसमें हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे कि क्या नाम है, क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीकेबल हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, वो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, अभी हमने अभी के लिए बस इतना ही, ये नीचे का टॉपिक बाद में पढ़ेंगे, इसको तो खासकर थोड़ा लेट पढ़ाऊंगा, पहले इससे पहले 2-3 टॉपिक पढ़ने में, देन ये पढ़ना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।